तो ये है इंडो नेपाल बॉर्डर। आप देख रहे हैं एक गेट सा बना हुआ है और इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस व नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारा वेरिफिकेशन चेक किया था। ये देखिए नेपाल कॉइन्स, नेपाल के कॉइन्स हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं नेपाल में तो आपको पहले भंसार बनवाना पड़ेगा, मतलब परमिट यहाँ के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हल्का फुल्का जो लंच है वो कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं मिरिक से वापस दार्जिलिंग की तरफ। और ये देखिए विनी, और आपको दिखाती हूँ एक चीज, विनी ने अपने लिए क्या बाय किया है, हेडफोन नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूल गई, कुछ और भी बोलते हैं। अच्छा लग रहा है, विनी का फेवरेट कलर है, हाँ हाँ, इसे मैच कर रहा है। मम्मा मैच नहीं कर रहा, ग्रैंडमा मैच नहीं कर रहा, ये ग्रैंडमा लाइट पर्पल है, ये डार्क पर्पल है, मैच नहीं कर रहा। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मिनी व्लॉग्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये चल रहा है हमारा ऑसम दार्जिलिंग पेलिंग टूर और अभी हम लोग जा रहे हैं पशुपति मार्केट जो कि नेपाल में पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक साइड में नेपाल है और एक साइड में है इंडिया, जैसा कि हम लोगों ने आपको लास्ट एपिसोड में भी दिखाया था। तो फ्रेंड्स, पशुपति मार्केट आने वाला है और आपको हम दिखाते हैं वो। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं इंडो नेपाल बॉर्डर और आपको देख रहे हैं लिखा हुआ है और इट्स अनदर बॉर्डर रादर देन द बॉर्डर ऑफ यूपी। तो अभी बस देखिए, एक गेट है, गेट के इधर में इंडिया है, गेट के उधर में नेपाल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं नेपाल। तो अभी हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ मार्केट, पशुपतिनाथ मार्केट जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है। और पशुपतिनाथ जो मंदिर है, जो मेन मार्केट है और जो मंदिर है वो थोड़ा सा अंदर में है, तो वहाँ आप नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम एक्चुअली बहुत हो चुका है। अभी हम लोकल मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो ये है इंडो नेपाल बॉर्डर। आप देख रहे हैं एक गेट सा बना हुआ है और इसमें नेपाली भाषा में लिखा हुआ है और इंग्लिश में लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल में और ये गेट क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए हैं नेपाल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस व नेपाली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारा वेरिफिकेशन चेक किया था, हमारा आई कार्ड लिया था और हमारा नाम व फोन नंबर नोट किया था, जो कि हम लोगों ने आपको नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी चेक पोस्ट पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये प्रीति को सामान देख रही हैं और इसी टाइप का मार्केट है, ये तो छोटा मार्केट है लेकिन इसी टाइप का बड़ा मार्केट यहाँ से लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर दूर है, जिसे पशुपतिनाथ मार्केट या पशुपति मार्केट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जिसके लिए यहाँ से टैक्सीज जाती हैं जो कि लगभग 250 से लेकर 300 रुपये पर हेड पर पर्सन लेती हैं इंडियन रुपयों में, और अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं हाइकिंग करते हुए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर मोस्टली चाइनीज सामान है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सस्ते कपड़े ये सब मिलता है और ये वहाँ भी मिलता है। और आप ये देख रहे हैं नेपाली साइड से बॉर्डर गेट। तो ये प्रीति कुछ देख रही हैं, कुछ चीज़ें हमको अच्छी लगी थी लेकिन यार सच बताएं, ये लोग काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे, मतलब जो सामान जिनके कम रेट हैं वो ये ज़्यादा बता रहे थे, तो बार्गेनिंग तो कम से कम यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। 250 का ये सोलर है, वही प्रार्थना पहिया, प्रार्थना चक्र 250। और ये गोंग है, ये कितने का है? सेम 250। ये गोंग है, अरे ये वाला फैन मिल गया मुझे, और ये वाला फैन मिल गया है अपने पास, क्या करना, ये अलग है। अरे तो क्या हुआ, और ये है 250 का प्रार्थना चक्र, प्रार्थना पहिया। मैम ये 250 आईसी है, एनसी है, आईसी। ये देखिए नेपाल कॉइन्स, नेपाल के कॉइन्स हैं। ये रियल है क्या? तो क्यों नहीं, ऑब्वियसली आइए। और ये देखिए, ये वाला प्रार्थना चक्र है, ये वाला भी, ये प्रार्थना चक्र ऐसे घुमाते हैं,
ये बुद्धिस्ट प्रार्थना चक्र है। चलिए आइए और देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ सामान और जो कि मुझे काफ़ी मतलब सही भी लग रहे थे, और जैसे कि मुझे चॉपस्टिक चाहिए थी तो यहाँ पर मैं चॉपस्टिक देख रही थी, क्योंकि विनी को ना चॉपस्टिक से खाना बहुत अच्छा लगता है, नूडल्स वगैरह, तो मैं उसके लिए देख रही थी। और सही थे, रीजनेबल प्राइस थे, किसी किसी के प्राइस तो काफ़ी सही थे, लेकिन किसी किसी आइटम के जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, मतलब 2 से 3 गुना उसके रेट थे। तो ये है, और जितना भी यहाँ पर जो भी आप आइटम देख रहे हैं ना, वो सारा आइटम चाइनीज़ है मोस्टली। तो ये है, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। भगवान बुद्ध, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, और आप देख सकते हैं ये सब नेपाली घर हैं, और ऊपर घर है और नीचे उन्होंने अपने स्टोर खोल रखे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। अभी हम लोग इस टाइम नेपाल में चल रहे हैं। हाँ, देखिए भंसार, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं नेपाल में तो आपको पहले भंसार बनवाना पड़ेगा, मतलब परमिट यहाँ के लिए अपनी गाड़ी का। जो देखिए वो है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, वहाँ बनता है भंसार। इलाम हाँ, और क्या, बिल्कुल नेपाल में। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है और हम लोगों ना काफ़ी लेट हो गए हैं। अगर टाइम होता तो हम लोग अंदर जो मेन मार्केट है वहाँ तक घूमने के लिए ज़रूर जाते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम लोग वो जो मार्केट है पशुपति मार्केट वो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इस टाइम आप लोग देख रहे हैं नेपाल का जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो, जहाँ पर भंसार बनता है। भंसार एक्चुअली एक परमिट है, जब आप अपनी गाड़ी से नेपाल में आएंगे तो सबसे पहले जस्ट आफ्टर एंटरिंग इन द नेपाल आपको वो परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसको भंसार कहते हैं, जिसका पर डे के हिसाब से कुछ चार्ज होता है। तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे, तो अब चलते हैं वापस गाड़ी में, क्योंकि विनी और मम्मी हम लोग का वेट कर रही हैं। ये देखो ये जो है ना वाई वाई नूडल्स, ये सब ये नेपाल के ही हैं। वाई वाई नूडल्स हाँ, सूखे भी खा सकते हो वापस, ऐसा ये जो ना ये जो जो वाई वाई और ये सब हॉट नूडल्स, ये सब नेपाली हैं। और तो ऑनलाइन भी मिलते होंगे ना? सब नहीं, दार्जिलिंग मिल जाते सब कुछ, दार्जिलिंग अवेलेबल है सब। अच्छा, रख के कहाँ ले जाएंगे? हाँ वही तो प्रॉब्लम है, रखने की, रखेंगे कहाँ? 100 रुपए में 7 पीस। हाँ दार्जिलिंग महंगा मिलेगा। ये लिकर शॉप, गोरखा स्टैंड स्ट्रॉन्ग, देखो ये नेपाली बियर गोरखा स्ट्रॉन्ग। ये पशुपतिनाथ टेम्पल है काठमांडू नेपाल। हाँ ये भी सुंदर फेमस है, चलेंगे माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सोविनियर्स की शॉपिंग, तो हमने सोचा कि नेपाल आए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ से ले के जाया जाए। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं फ्रिज मैग्नेट, जो कि काफ़ी अच्छे लगे हम लोगों को, और कुछ विनी के लिए भी ले लिया है, और फ्रिज मैग्नेट ले रहे हैं, और देखते हैं। वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी लेने के लिए तो, लेकिन प्रॉब्लम ना मतलब लेके जाने में, क्योंकि लगेज ना बहुत सारा है और जगह नहीं है रखने की, तो इसलिए हम लोग ना थोड़ा शॉपिंग एक्स्ट्रा करने से ना बच रहे हैं। लेने को तो हम बहुत कुछ ले लेंगे, लेकिन नहीं ले रहे हम लोग जानबूझकर। चलते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि आगे चेक पोस्ट है तो वहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सिक्योरिटी पर्पज से। तो चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंट्री। तो कुछ सोविनियर्स ले लिए हैं छोटी छोटी नेपाल से, तो चलिए चलते हैं हम। चलिए चलिए हाँ, तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ, और अब शाम भी होने लगी है, तो अब जा रहे हैं हम दार्जिलिंग वापस। दार्जिलिंग वापस, दार्जिलिंग यार मार्केट नहीं घूम पाए, लेट हो गए। कोई बात नहीं, लेट हो गए यार, ठीक है, फिर आ जाएंगे। हाँ फिर आ जाएंगे। ऐसा है अभी हम लोग फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग आए हैं, तो बहुत सी चीजें पता तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग कहीं भी जाते हैं घूमते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लेके घूमते हैं, इसलिए हम लोग हर जगह लेट हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर पेड़ हैं,
तो फ्रेंड्स देखिए शाम का नज़ारा है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये पेड़ देखने में। सो फ्रेंड्स बहुत सी जगह हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो आराम से उस जगह घूमते हैं और जिसमें हम लोगों को लग जाता है टाइम घूमने में। तो ये है, कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग आए हैं, फिर हम लोग आएंगे कई बार दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग को अच्छे से हम लोग छान लेंगे। तो ये तो फर्स्ट टाइम है तो हम लोग अच्छे से फील कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, इसलिए हमें लग जा रहा है यहाँ पर टाइम और बहुत सी जगह भी हम लोग नहीं जा पाए। चलो फिर। A few moments later. तो ये है सुखिया टाउन और देखिए दुर्गा पूजा का टाइम है तो दुर्गा पूजा की धूम है, हर तरफ लाइटिंग हो रखी है, अच्छी अच्छी पंडाल्स लगे हुए हैं और रात में तो मैंने बताया ना आपको दार्जिलिंग और जितने भी टाउन आते हैं ना, गांव टाउन सबकी बात ही अलग है। और विनी सो गई है, भाई बच्चे थक जाते हैं जल्दी से, तो विनी सो गई है और हम लोग अब वापस जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। ये देखिए जो मेन पूजा की विधि है ना, मैं वो षष्ठी से स्टार्ट होती है। ये देखिए सुखिया टाउन का मार्केट और ये जो आप रोड गीला देख रहे हैं ना, ये देखिए ये बारिश नहीं हुई है, ये बादल नीचे आ गए थे, ये ओस है, ये तो उसका फ्रॉस्ट है, ये तो देखिए रोड इतना गीला हो गया ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हुआ, लेकिन बारिश नहीं हुआ है ना फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग। और सेम आज सुबह ऐसा हमको दार्जिलिंग में भी लगा था, मॉर्निंग में उठे थे, मॉर्निंग में। चलिए मेला भी लगा हुआ है, दुर्गा पूजा का मेला, जायंट व्हील लगा हुआ है, जायंट व्हील जिसे हम लोग बोलते हैं आसमानी झूला, आसमानी झूला। ये देखिए ये पूरा मेला लगा हुआ है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा, ये दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में होगा। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो कल हम जाएंगे रोप वे राइड के लिए और फ्रेंड्स सच मानिए रोप वे राइड बहुत ही सुंदर होने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा रोप वे चाय के बागान और पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ जाएगा, लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो बने रहिए हमारी ऑसम दार्जिलिंग पेलिंग टूर की सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Rest.